भावनाथ किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन और सूजी का मिक्स हलवा। अक्सर लोग सूजी अलग बेसन अलग हलवा बनाते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके अलग ही स्वाद उभर के आता है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने एक कप बेसन, एक कप सूजी, एक कप चीनी, आधा कप घी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और 300 ग्राम पानी। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म होने चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सूजी डाल रहे हैं, फिर हम इसमें बेसन डालेंगे। धीमी आंच से सबसे पहले इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। चलाते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने दें, जब इसे अच्छी खुशबू आने लगे तब तक भूनेंगे। एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। इससे अच्छी खुशबू भी आ रही है, अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। देखिए, चीनी को मैंने अच्छे तरीके से मिला, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। चलाते रहें अच्छी तरीके से ताकि लम्स ना हो। जब तक पानी अच्छे तरीके से सूख ना जाए इसे चलाते रहें। क्या मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, जिसे मैंने किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता ये सब काट के लिया है। आधा इसमें डाल दूंगी और आधा गार्निशिंग में। आज हमारा हलवा बनके तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे सर्व करते हैं। हलवा को मैंने सर्व कर लिया है, इसके ऊपर से देसी घी डाल देंगे। ये मैंने घर में बनाया हुआ देसी घी डाला है, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। हाँ, हलवा के ऊपर से हमने घी डाला है, घर का देसी घी है, इसके ऊपर से डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखने में भी हलवा बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी हलवा में ऊपर ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लूँगी। देखिए, हमारा सूजी और बेसन का घी वाला हलवा तैयार है। देखने से ही कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसको आप भी इसको अपने घर में बनाएं और इसका स्वाद लें। देखिए कितना स्वादिष्ट ये हलवा का लग रहा है देखने में। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें, ट्राई करके देखिए कितना टेस्टी ये हलवा लगेगा खाने में। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ।